हिमाचल में थमने का नाम नहीं ले रहा है बाबा हरदीप सिंह इंटक अध्यक्ष को लेकर उपजा विवाद। प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के निष्कासन के आदेशों और क्षेत्राधिकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए बाबा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। इंटक कांग्रेस संगठन नहीं केवल कांग्रेस की विचारधारा का समर्थक है, इस लिहाज से किस अधिकार से प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बर्खास्त किया है। सुक्खू और बाबा हरदीप मामले को लेकर अपने अपने तर्क रख रहे हैं। इसी मामले पर इंटक के अध्यक्ष बाबा हरदीप ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि सुक्खू को ट्रेड यूनियन के मामले में दखलंदाजी ना तो करनी चाहिए, ना ही उनका हक बनता है और ना ही वे इसके लिए अधिकृत हैं। बाबा हरदीप ने कहा कि उनके साथ करीब 118 ट्रेड यूनियन का समर्थन और पंजीकरण है, जबकि करीब एक दर्जन संगठन हाल ही में पंजीकृत करवाए गए हैं। बाबा का आरोप है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश इंटक का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सुक्खू द्वारा की गई नियुक्ति कितनी वाजिब और संवैधानिक है। सुक्खू जी ने, जहां तक मेरा सवाल था, मैं तो इलेक्टेड हूं, मुझे वो हटा नहीं सकते, पर जब बात सुक्खू जी के द्वारा ये कही गई कि रेड्डी साहब भी इंटक के अध्यक्ष नहीं है, उनको जो है हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उनको हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनको हटाया गया, तो मैं उनसे 7 दिन में उनसे ये जानना चाहता हूं, आप मुझे प्रेस के माध्यम से आप प्रस्तुत कीजिए कौन सा ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें रेड्डी साहब को हटाया गया और सुंदरियाल को बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट में तो रेड्डी साहब इंटक के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, जिस पीसीसी प्रेसिडेंट को यही नहीं पता, जब कभी वेबसाइट खोल के नहीं देखी, कम से कम इस कंट्रोवर्सी को पैदा करने से पहले वेबसाइट ही खोल ली, उसमें पता लग जाना था कि आज इंटक के अध्यक्ष कौन है। आज वो व्यक्ति जो अपने आप को इंटक का अध्यक्ष कह रहा है, उसका जो लेटर पैड है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उसमें एड्रेस 4 भाई वीर सिंह मार्ग का लिखा है, इंटक का ऑफिस का। अरे भाई, उस ऑफिस में रेड्डी साहब बैठ रहे हैं, उसका बकायदा नंबर है, वहां का ईमेल है, वेबसाइट है इंटक की अपनी, एक इंडियन वर्कर अखबार है जो मंथली चला हुआ है, वो ट्रस्ट है, इंटक एक ट्रस्ट बन चुका है। तो इतनी गैर जिम्मेदारा बात करके मैं समझता हूं उन्होंने ना सिर्फ इंटक में कंफ्यूजन क्रिएट किया, ये कांग्रेस पार्टी में भी कंफ्यूजन। आज बहुत से ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जिनको इंटक के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, ठीक है वो पॉलिटिकल लोग हैं, ट्रेड यूनियन की नॉलेज कम है, आई एग्री, बट इनकी इस वक्तव्य से आज ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो साबित करें, और अगर वो साबित नहीं करते तो 7 दिन बाद डेफिमेशन केस उनके अगेंस्ट, उनके स्पोक्समैन के अगेंस्ट, नरेश जी के अगेंस्ट, और ये जो सो कॉल्ड इंटक का अध्यक्ष बना है, नकली इंटक का, और वो व्यक्ति जिन्होंने कहीं से भी बयान इनके पक्ष में दिए, उन सभी लोगों के खिलाफ डेफेमेशन सूट जो है मैं फाइल करूं। क्या गुट